तो अभी मैं आपको चलिए दिखाता हूँ एक बहुत ही बड़ा अपने पंप हाउस का मोटर, जो कि अभी शायद मैं अपना ये पहला इतना बड़ा मोटर देख रहा हूँ ये इसमें, जो कि बहुत ही देखने में काफ़ी बड़ा है। अभी मोबाइल में तो उतना बड़ा नहीं आ रहा है। तो आप बताइए ये शायद कितना HP या KB का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे KB में दिया हुआ है 200 KB, और HP इसका है 270 HP का ये मोटर है गाइस, यानी कि बहुत ही हाई पावर का है और बहुत ही ये बड़ा मोटर है, जो कि फायर फायर का जो वाटर रहता है फायर, तो उसमें ये यूज होता है। जब इंडस्ट्रियल एरिया में यदि आग लग जाता है तो इतने बड़े बड़े मोटरों के द्वारा चालू करके और वाटर का उसका प्रेशर दिया जाता है। शायद आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे आग लगता है उस वहाँ पे बुझाने के लिए जो भी पानी का प्रेशर यूज किया जाता है एक बहुत ही अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पे लगभग 7 से 8 KG प्रेशर तक का इस लाइन में, जहाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइन है वाटर का रेड कलर का, तो इस लाइन में उतना प्रेशर रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस मोटर का शाफ्ट ही बहुत बड़ा है, मोबाइल में इतना बड़ा तो नहीं आ रहा है, बट ये 270 HP यानी बहुत होता है गाइस, और 200 KB का ये मोटर है जो कि इसमें यूज किया गया है पंप हाउस में, देख सकते हैं। और ये भी मोटर स्टार और डेल्टा दोनों पे चलने वाला है ये, जो कि यहाँ से इसका कंट्रोल रूम है, यानी मोटर MCC रूम है, ये मोटर कंट्रोल का ये रूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये पंखी है, जो कि इसके अनुसार तो इसका पंखी भी बहुत ही ज़्यादा हाई पावर का लगा होगा, जो कि इरिगेशन एरिया में यदि कहीं पे कोई लगाए यदि नहर या नदी से, तो ये भी बहुत काफ़ी पानी पानी को प्रेशराइज करके और उसमें से इरिगेशन के लिए दे सकता है। बट इससे भी बड़ा बड़ा लगा होगा जहाँ पे पावर प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा ही मोटर होता है। बट यहाँ का जो भी है फिर भी ये भी बहुत ही ज़्यादा HP का है। ऐसे तो इंडस्ट्रियल में यूज ही होता है जो भी रहता है, तो 70 HP का, या फिर 2 HP, 3 HP, यानी कि 4 या 5 HP का बहुत से बहुत ज़्यादा मोटर यूज होता है। बट उसके सामने आप देख सकते हैं 270 HP का एक ही मोटर है, तो ये कितना काफ़ी हैवी होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डीजल इंजन भी एक लगा हुआ है, जैसे कि कहीं आग लगता है इंडस्ट्रियल एरिया में तो उसको बुझाने के लिए यदि मान लीजिए कि मेरा पावर ही कट गया तो फिर किस प्रकार से आग पर काबू पाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से डीजल इंजन यूज किया जाता है, जो कि उस टाइम वो ऑन करके और दे सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब जो भी मोटर होते हैं तो ये चालू करके और फिर उस टाइम यूज किया जाता है। वैसे जो ये लाइन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है, यानी 7 से 8 KG प्रेशर रहता है। जहाँ भी आप लोग देखे होंगे यदि आग लगा हो और वहाँ पे बुझाने वाला आता है, तो वो गाड़ी पर जो दमकल का गाड़ी होता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना दूर तक प्रेशर मारता है। तो अभी इस लाइन में प्रेशर है आप देख सकते हैं इतना, यानी कि 6 KG होगा, यानी कि 6 से 6 KG तक इसमें प्रेशर होगा। और जब ही कभी प्रेशर लो होता है तो इसके लिए एक अलग मोटर है, जो कि उसमें हमेशा उतना प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो गाइज इसको कहीं रिप्लेस करने में भी बहुत दिक्कत होता होगा, यदि कहीं हमको अलग जगह यूज करना है या फिर